जी अब हम जिस टिप को डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ टिप नंबर फोर यू नेवर हैव टू मेक अप फॉर अ गुड स्टार्ट विच मीन्स अगर आप एक दफ़ा एक अच्छा स्टार्ट एक अच्छा प्लान कर लेते हैं यू नीड प्रॉपरली प्लानिंग कर लेते हैं एक अच्छे स्टार्टअप के साथ चले जाते हैं तो so आपको बहुत ज़्यादा रीडू की या अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने की या एक बड़े बैड स्टार्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के ऊपर यू हैव मोर ऑफ अ प्लानिंग एंड देन पुअर एग्जीक्यूशन अगर इस तरीके से हो तो सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि एक रिटेलर को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है रिडू करने की अपने प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने की सो इट इज़ बेस्ट पार्ट कि अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करें एंड देन उसको प्रॉपर तरीके से रिलीजियसली एग्जीक्यूट करें इफ़ द थिंग्स आर प्लान वेल एंड एग्जीक्यूटेड वेल इस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी स्टार्टअप के फेस को प्रॉपरली मेकअप करने की एंड देन बहुत ईजीली यू कैन एक्सपैंड एंड देन यू कैन एडजस्ट वट्स एवर इज मिनिमम रिक्वायर्ड मूव करता हूँ मैं टिप नंबर फाइव के ऊपर विच इज ट्रेन योर सुपरवाइजर्स सो एक रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो लोग सारे जो कि किसी ना किसी तरीके से लीडिंग रोल के अंदर है विच मीन सुपरवाइजरी रोल के ऊपर है सुपरवाइजरी रोल का डज नॉट मीन्स के वो खाली सुपरवाइज़र का टाइटल ही है इट कैन बी एनी पर्सन जो कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को सुपरवाइज कर रहा है लोगों को टीम को लीड कर रहा है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलर के लिए अपनी टीम को अपने ट्रेनर अपने अपना जो मेन सुपरवाइजर्स हैं जो लीडर्स हैं उनको ट्रेन करना क्योंकि होता नॉर्मली क्या है दी ऑर्गेनाइजेशन का मेजर टारगेट क्या है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपके पास ट्रेंड लोग होंगे और अगर आपके होने से देर इज़ नो इम्पैक्ट इन द बिज़नेस आपके जाने से देर इज़ नो इम्पैक्ट इन द बिज़नेस विच मीन्स जो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है एज़ ए सुपरवाइज़र उसकी कोई एडिशन वैल्यू एडिशन नहीं है तो नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए कि आप अपने सुपरवाइजर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें ट्रेन लोग प्रॉपर कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू एडिशन करते हैं और डेफ़िनेटली उससे आपके बिज़नेस की एफिशिएंसी और उसकी एफिकेसी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं और एक रिटेलर बहुत बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज़ करके अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट टिप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज़ अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर ये डेलमा है हमारे यहाँ कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि नॉर्मली बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको प्रॉमिस कर दिया जाता है लेकिन वो प्रॉमिस उस तरीके से फुलफ़िल नहीं होता वो बेशक एक छोटा सा कराना स्टोर हो या वो एक बेहतर किस्म का आउटलेट हो मोस्ट केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जब आप उस पर्टिकुलर आउटलेट के ऊपर जाते हैं या उस पर्टिकुलर दुकान के ऊपर जाते हैं कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और वो कहते हैं कि यार अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इन ये दो घंटे में मौजूद हो जाएगी या ये प्रोडक्ट दो घंटे बाद अवेलेबल होगी और जब आप दो घंटे बाद जाते हैं और आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती तो रिजल्टेंटली यू विल लूज़ योर ट्रस्ट क्योंकि वो जो प्रॉमिस का फैक्टर था वो नहीं हुआ वो फुलफ़िल नहीं हुआ तो नॉर्मली कस्टमर को एंगेज करने के लिए अपने साथ कनेक्ट करने के लिए लॉन्गर रन के अंदर और उस कस्टमर को एक अच्छा अपने लिए पॉजिटिव कस्टमर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको उस कस्टमर को लेस प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है विच मीन्स अगर आपने उस कस्टमर को यह कहा है कि सर मैं ये प्रोडक्ट्स आपको लेट से सुबह दस बजे तक आई विल बी एबल टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट्स टू यू तो यू पहले वो प्रॉमिस करने से पहले यू नीड टू इंश्योर एज ए टीम मेम्बर और एज ए सुपरवाइज़र और एज ए लीडर जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं दे नीड टू रियली इंश्योर इस बात को कि क्या वो प्रॉपर प्रोडक्ट जो है वो उस टाइम के ऊपर हमारे वेयर हाउस में मौजूद होगी क्या वाकई लॉजिस्टिक्स का सिस्टम मौजूद है कि कस्टमर को वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या उससे पहले डिलीवर कर सकेगी अगर तो ये ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कंफर्म है तो इस केस के अंदर ही कैन गिव गारंटी टू द कस्टमर कि सर ये प्रोडक्ट आपको विद इन टाइम मौजूद होगी एंड देन यू कैन अवेल दैट प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इट इज़ द बेस्ट वे कंसिडर किया जाता है आपको एज ए रिटेलर अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए कि दे आर ऑलवेज द आफ्टर फॉलो द प्रोमिस जो भी कहते हैं उसको ये फुलफ़िल करते हैं उसके ऊपर ये ये नहीं कहते कि अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया बेशक लट से सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो गया और आपको कहा गया था कि आज के दिन में ये प्रोडक्ट आपको मौजूद होगा अवेलेबल होगा और वह प्रोडक्ट मौजूद नहीं था कस्टमर वे फील बैड फॉर इट लेकिन अगर एक प्रोडक्ट मौजूद नहीं था और आपने उस कस्टमर को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया वेल इन टाइम किया और या फिर उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट क्रिएट किया सो दैट कस्टमर गेट द प्रोडक्ट इन टाइम बिकॉज ये भी मुमकिन है कि वह प्रोडक्ट उसकी उस टाइम की नीड हो अगर वो टाइम चला गया तो हो सकता है उसको उस बा उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो तो इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को वो प्रॉमिस करें कि जो कि आप डिलीवर कर सकें ये प्रोडक्ट के प्रस्पेक्टिव में भी नॉर्मली फॉलो होता है और सर्विस के परस्पेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है रादर ऑलमोस्ट अनऑर्गनाइज हैं तो इस तरह के केसेस के अंदर यहाँ पर प्रॉमिस का फुलफ़िल होना नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस स्टाफ के ऊपर उस कंपनी के ऊपर जो कि वो सर्विसेज दे रही है बेशक अगर आप लटे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ तो वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं सो यू आर वेटिंग फॉर अ इंस्टॉलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और वो नहीं आ रहा है आप अपने ऑफिस में हैं और वह तब आ गया वेर यू कैन नॉट गेट द यूर यूर ए सी और यूर टेलीविजन और यूर और एनी थिंग विच यू वॉन्ट टू इंस्टॉल अगर वो नहीं इंस्टॉल करवाने का टाइम उस टाइम पे तो विच मीन्स यू विल गेट हर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर और देन इसके रिज़ल्ट के अंदर बैड रिपोटेशन जो है वो क्रिएट होगी सो नॉर्मली ये वाला टिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस परस्पेक्टिव में है कि ये रेपुटेशन बिल्ड करती है इट इज़ गुड और बैड बट यू हैव टू इंश्योर एज ए रिटेलर कि मेरा कस्टमर जो है वो किसी तरीके से हमारे पास जो प्रॉमिस हमने उससे किया है जो कमिटमेंट उसको किया है हमने हमेशा उसको वेल इन टाइम बल्कि उससे भी बेहतर तौर पर डिलीवर करने की कोशिश किया